के हैं, कांग्रेस जिस मैनिफेस्टो के साथ चुनाव में उतरी थी उसमें संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात भी कही गई थी। गहलोत कैबिनेट की बैठक में संविदा कर्मियों के लिए अलग से सेवा नियम बनाने का फैसला लिया गया। इससे पहले मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी। उसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल ने बुधवार को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2021 बनाने पर मुहर लगा दी है। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक से संविदा कर्मियों के लिए राहत और सुकून देने वाली खबर सामने आई। गहलोत सरकार ने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर गठित की गई बीडी कल्ला कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रूल्स 2021 बनाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे तकरीबन 80,000 संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। संविदा के कर्मचारी जितने भी हैं उनको लेकर सेवा नियम बने हैं, वो बात कैबिनेट में चर्चा में आई और उस पर सेवा नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि संविदा कर्मचारियों से वादा किया था बजट में और उससे पहले। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। इसके लिए बीडी कल्ला की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई थी। मामले में हो रही देरी को लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था। सरकार के इस फैसले से विपक्ष का ये मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। जो वादा किया उन संविदा कर्मचारियों के लिए अलग से सेवा नियम बने, उनको उनका अधिकार मिले, हक मिले, उनको उसी तरह के अधिकार मिले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वगैरह, उसके बावजूद ऐसे अधिकार मिले जो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहे हैं, उनको मन में ये नहीं लगे वो कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। मैन पावर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्ति करने के नियम बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा और सरकार भविष्य में सरकारी कर्मचारियों की तरह इन कार्मिकों को भी नियुक्त कर सकेगी। इसी मांग को लेकर पिछले 51 दिन से संविदा कर्मी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। भरतराज, जी मीडिया, जयपुर। और आज का दिन बेहद ही खास है। 1991